हेलो जी, सत श्री अकाल, सलाम अदाब नमस्कार जी सारिया नूं। पिंड पंजाबी चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज दिन हैगा जी संडे दा, ते जिहड़ा टाइम हैगा मॉर्निंग दा, है ना। ते रिपन ना के आ गया, असीं तैयारी वैरी कर रहे हां जवाब जाना किते। सवेरे सवेरे ना रिपन करके मेरी उंगल आ जिहड़ी बिल्कुल पार गई। मैं तिन्न वारी साफ कर लिया हत्थ, हुण निकल नहीं हटदा। कल ना गिलास तोड़ता, इन्हें गिलास तोड़ के उहदे विच ही रखता शैंक, ते मैनूं पता नहीं सी, इन्नी छोटा जिहा पीस सी। जदों मैं साफ करन लगी उहनूं चंगी तरह शैंक नूं मेरे उंगल दे विच गड़ गया। दोने जिहड़ी छोटी उंगल ते वाली चीची दे नाल वाली उंगल ना, उहदे बचाले नूं पहले मैं धो के आउंदी। हुण निकल नहीं हटदा, दो तीन वार धोया नहीं। मैं केड़ा पटका बनना, इहदी पट्टी बन के देख लूं। पट्टी भी बजनी जमा पुठे पासे बज गई, बहुत ज्यादा गड़ गया। होर बाल तो खोल ले, पेंट भी पा के आया जब आके। गर्मी केड़ी हो जाए, ठंड। एक मिनट, पानी मैंने तेनो कल नहीं खिलाई है। ते अज ना मास्टर जी स्कूल विच हैगा जी अखंड पाठ साहिब, प्रकाश होया परसों दा, अज भोग पऊगा। पाँ पहले तो उत्थे मत्था टेक के ना, उस तो बाद बाजार दे विच कम है इक अद्धा, वह करना हैगा। थोड़ा मोटा कोई समान लैना, एक इन्हां दे कपड़े जिहने छोटा मोटा कम आपां उह करांगे। बहुत सारे कम ने अज, संडे नूं भी वेल नहीं हैगी। चलो उधर भी जाना जरूरी है। बार बार कहा मास्टर जी ने, तुसीं इहनां अपने परिवार नूं लैके आयो सारे नूं। अजे अज मेरे जी करदा सी वी संडे अरैसट कीती जावे, फिर बाद नूं रिपन ने ना इतने पटकिया ने घेर लाते सारे भी, केड़े बनना ये पटके ने, सारे सारे ये पटके ने। बनता होंगे ज्यादा काला ही, वैसे काला अज लिया नहीं ना नीला। तो एक मैं तुम होर गल कहना चाहनी हाँ जी सारे व्यूवर्स, जो थोड़े दिन ना थोड़े कमेंट्स से रिप्लाई ना आए प्लीज तुम माइंड ना करो, क्योंकि पता ना मौसम तो एलर्जी है कि डाइटिंग का चक्कर है। थोड़ी जी मैं डाइटिंग से हाँ थोड़े जिन की, वह करके ना मेरी अखा ड्राई हो जाए ने, अखा करके ना मेरी अखा ड्राई हो गई। पता तो मौसम करके पिछले साल भी हो गई सी, पिछले साल भी मैं डाइटिंग से पता तो हुई सी। सर्दियों का वजन जो बढ़िया होंगे होंगे भी थोड़ा जा दो चार किलो है जो अभी कला के घटा लीए, तो कोशिश कर रही हूँ मैं अपना वजन घटा की भी, पर मेरी अखा ने जड़ियाँ ड्राई हो गई नहीं। क्योंकि जो आप एक बार डाइटिंग करनी शुरू करते हैं थोड़ा मोटी चेंज तो आती हुई है। बाकी जो मौत जी हवा है वह भी बहुत ज्यादा हम रुखी चलती, वो करके भी हो सकता है ज्यादा। मैं थोड़ा ना मोबाइल से निगाह नहीं लगती हैगी, कमेंट्स रिप्लाई करने मैं प्रॉब्लम आती है, इस करके प्लीज तुम ना इस तरह ना कहे कहो भी साढ़े कमेंट्स रिप्लाई नहीं होए। कमेंट्स तुम्हारे मास्टर जी पढ़ने सारे जिन्हें को हो रिप्लाई देने की भी कोशिश करे। मैं थोड़ी जी मैं हम परहेज करूंगी, मैं मोबाइल से निगाह ना लाव, क्योंकि जी सेहत अपनी जरूरी हैगी। जे अपनी सेहत ठीक होगी आप दोबारा फिर कम करा सही तरीके करा, इस करके प्लीज तुम थोड़ा जा माइंड ना करो। कमेंट थोड़े सारे रीड हो गए, जो कोई खास हुई गल मास्टर जी मैं पढ़ के दसन गए, जो कोई हुई या बच्चे पढ़ देंगे। जे थोड़ी कोई भी डिमांड है या कुछ भी है तो मैं जरूर उस पर गौर करूंगी। तो बस दो कहते ही है फिर देख देंगे, जे ना मैं इस तरह लगे भी अखा नहीं ठीक आ रही है ना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, फिर मैं डॉक्टर दिखा के आऊंगी। ये हफ्ते कभी प्रॉब्लम मैं हुई है, हफ्ते कभी कहता ये हवा करके होगी या खाने पीने से चेंज आ गया वे करके होगी, कोई चक्कर तो नहीं है। मौसम तो भी लगती है, पूरी मेरी अखा ड्राई नहीं, पूरी जी स्किन ड्राई होगी बिलकुल, बाहवा ने बिलकुल ड्राई, जिम्मे ना सर्दियों फटीले नहीं होंगे क्रैक जी आए होंगे इस तरह होगी, सड़क बन गई बिल्कुल इस तरह ड्राई हुई पई है। कभी कोकोनट तेल लाने कभी वैसलीन लाने करके माड़ी जी ठीक है, नहीं बहुत ज्यादा स्किन ड्राई है। गर्मी तो थोड़े दिन होकर मौसम हो गया, क्योंकि जी हवा चलती है ना, यह ड्राई हवा चलती रुखी आ गई, नमी नहीं हैगी, फिर स्किन प्रॉब्लम आ जाती है। चलो जी मैं बच्चों के सिर वाह के ना तैयार कर दा इन्हों, आप फिर मिलते हैं थोड़ी देर से, नहीं अपनी जो ब्लॉग है इतना ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लो जी गुरलीन के बाल बना दिते ने, गुरलीन के करता फ्रेंच, पिछे दो बना दी छोटिया छोटी छोटी छोटी
चल खड़ा हो जा। बच्चे हो गए जी तैयार, बस मास्टर जी के कपड़े रहने से प्रेस करने। मैं पाऊंगी ये वाला सूट ही बेबी पिंक। उसने ब्लैक पहना सी अम्मा। ब्लैक मैं पास को नो होएगी रिटायरमेंट है कल नु इधर पाऊं। लो जी आपा मिलते हैं, फिर मैं तैयार होके मिलती हूं। लो जी मैं तैयार हो गई हां, ते इस तरह का दा सूट तेरे नाल मैं पाई हैगी जुत्ती वाइट। म्यूजिक किने ला रखा है टिप्पन में। हाय ओ जख्म च पै गया ये, हुन मैनू किन्ने दिन ना जख्म तंग करी जाऊगा। मैं भुल लगी पहला जदों इहदे विच कुछ लगदा है ना उदों हुंदा मच्छर लग गया। चलो जी आपां हो गया तैयार, ते आपां चलदे आं। ते कोशिश करूंगी जी मैं थोड़ा स्कूल दे विच वीडियो बनी थोड़ी मोटी रिकॉर्ड होया तां मैं जरूर करूंगी। चलो जी चलिए आ जाओ। आ जाओ मास्टर जी। मास्टर जी मैं रेडी है क्या तुम मुझे मास्टर जी क्या करो। अच्छा तो लिया चलो गाड़ी स्टार्ट करो। अरे पंच के दुपट्टा अपनी बड़ी खड़ी कर पा। देखो पानी भइए काले को पानी गुल्ली ना मेरे दुपट्टा चक अंदर दस कट देने।
ਅਸੀਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਪੀਂਦੇ ਆਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਜੂਸ ਪੀਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੂਸ ਪੀਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੀ ਆ, ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਗੱਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੁਣ 12:30 ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਰੁਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਸਮਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਨ ਹੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਲਈਏ। ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪੀਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ, ਖਾ ਤਾਂ ਆਏ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਗੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਨੀਆਂ 'ਚ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਬੋਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਲੇਬੀਆਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਲੇਬੀ ਤੱਕ ਖਾ ਕੇ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਜੀ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਦੇਖੇ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲਤੀ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਤਾਕੀ ਖੋਲਤੀ।